देखते चुप रहना। अबे चुप क्यों रहो? 50 रुपए में ट्रेलर दिखा दिया, अगर पूरी फिल्म देखनी है तो और छिड़को। अबे हट ना। अरे बचाओ। तुम्हें जी हो तो वो ऐसा करते हो। खिड़की दरवाजे बंद करके नहाना सीख। सिखला दे। बेशर्म कहीं। रवि, आज मैंने तुम्हारे बारे में एक फैसला किया है। क्या फैसला किया मेरा? कल से मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगी। मैं पढ़ के क्या करूंगा? पढ़ाई हमेशा काम आती है पागल आदमी। थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो बंबई जाकर अच्छा काम कर सकोगे, अच्छी तनख्वाह मिलेगी और रोहन की जिंदगी भी बना सकोगे। रोहन के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ। आप कल ही से मुझे पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तुम सचमुच पागल हो। अरे फिर भूलोगे? नहीं नहीं फिर नहीं भूलूंगा। अच्छा फिर से सुनाओ। BAT बैट, बैट माने बैट। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। राइट। RAT रैट, रैट माने चूहा। दैट्स राइट। क्या हो रहा है ये? अरे मैं रवि को पढ़ा रही थी, मगर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों, मेरा आना बुरा लगा? बात करना सीखिए सिंह साहब। तुम जाओ यहाँ से। जी। मेरे घर में ये सब नहीं होगा। क्या सब नहीं होगा? क्या हो रहा था यहाँ? शट अप। चिल्लाइए मत। मैं तो आपको एक सरप्राइज देना चाहती थी। सोच रही थी रवि को इंग्लिश बोलते सुनकर आप खुश हो जाएंगे। मैं भी दिन भर अकेली पड़ी पड़ी करूँ भी तो क्या, वो पढ़ लिख जाएगा तो उसे कोई अच्छा काम मिल जाएगा, उसकी कमाई बढ़ जाएगी और वो रोहन को एक सलीके की जिंदगी दे पाएगा। नौकरों को अपने इतने पास आ जाने देना कोई अच्छी बात नहीं है रवि। इन छोटी बस्तियों में रहने वालों की जबानें बहुत बड़ी होती हैं। आपकी जबान भी कोई छोटी नहीं है। नमस्ते मालकिन। रवि, क्या तुम कभी अपने आप से बातें करते हो? दिन में ख्वाब देखने का क्या फायदा मालकिन, लेकिन बात क्या है? जिंदगी में बहुत जहर फैल गया है रवि, अब तो सांस भी लेना मुश्किल हो गया है। अपने घोड़े से कहो मुझे किसी ऐसे ख्वाबों की बस्ती में ले चले जहां मुझे चैन मिले, प्यार मिले। न जाने आजकल मनोहर सिंह को क्या हो गया है, बिल्कुल अंधा हो गया है। सारे शहर को मालूम है कि रवि का इसकी बीवी के साथ क्या चक्कर है। बहुत प्यार करता है ना मुझसे? मेरी तरफ से मैं पहनी हूँ घाघर चोली, गाँव की गोरी।
तुम? हाँ मैं। अरे मैं तुझे मेले में ले जाऊंगा और उससे पहले मैं तेरी जवानी का मेला देखूंगा। मेरे पास नहीं आना वरना तेरी छुट्टी कर दूंगी। अच्छा मैं सिर्फ रवि की हूँ। रवि कहना है कि तुमने खुद मुलजिम रवि यादव को पार्वती देवी के साथ बलात्कार करते हुए देखा। जी सरकार, वो बेचारी गिड़गड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन ये मुलजिम उसकी एक नहीं सुना। अरे सरकार, हमसे तो ये जुल्म देखा नहीं गया, हमने अपनी आंख बंद कर ली और जब आंख खोल के देखा तो ये अपना काम खत्म करके जा चुका था। नहीं जसर, ये सरासर झूठ बोल रहा है। और पार्वती देवी वहां मरी पड़ी थी। तुमने पार्वती देवी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे साहब, आप इसको नहीं जानते, अगर हम उसे बचाने की कोशिश करते तो उसकी लाश के बगल में आप हमारी लाश भी पाते। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस। आप मुलजिम के बचाव के वकील हैं और आप गवाह से कोई सवाल नहीं करना चाहते जिसका बयान मुलजिम को फांसी के तख्ते तक ले जा सकता है। मुलजिम को अपने वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए योर ऑनर। इस मुलजिम ने मुझसे कहा था किसने बलात्कार नहीं किया, मगर अब ये मौजिस गवाह ये बयान दे रहा है किसने खुद अपने आंखों से बलात्कार होते हुए देखा। तो इस गवाह से मैं क्या सवाल करूं? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं योर ऑनर, इस चश्मदीद गवाह का बयान बलात्कार तो साबित कर सकता है मगर कत्ल साबित नहीं करता, क्योंकि जिस वक्त इसने आंख खोली तो मुलजिम जा चुका था और लाश पड़ी हुई थी। हो सकता है योर ऑनर मुलजिम ने उसे जिंदा छोड़ा हो, हो सकता है किसी और ने पार्वती देवी का कत्ल किया हो, इसलिए अदालत ने अगर इसे फांसी की सजा दी तो वो सरासर अन्याय हो जाएगा योर ऑनर। दैट्स ऑल। ये अपनी कैसा वकील खड़ा किया रवि के लिए जो खुद अपनी क्लाइंट के खिलाफ बोल रहा है? ऐसी बातें अदालत में नहीं की जाती। अगर वो तो घर चलकर बात कर लेना। सरकार कत्ल का जुर्म पूरी तरह साबित नहीं करता, इसलिए यह अदालत इसे कत्ल की पूरी सजा नहीं दे सकती, लिहाजा यह अदालत इसे 12 साल कैद व मुशक्कत की सजा देती है। मालकिन, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही तुम्हारी दोषी हूँ। यह क्या कह रही है मालकिन? हाँ, मैंने तुम्हारे मालिक से 1000 बार कहा कि रवि निर्दोष है, कोई अच्छा सा वकील करो, मगर वो ये दोष निर्दोष का चक्कर ही नहीं है मालकिन, तो वकील क्या कर लेता, ये तो नसीब का चक्कर है मालकिन। आप भी बेबस हो गई और मालिक भी। आप तो चाहती थी कि मैं पढ़ लिखकर अच्छा आदमी बनूं, मगर नहीं, बनता भी कैसे? ये जेल जो लिखी थी नसीब में, ये धारीदार कपड़े जो लिखे थे, पर अब बिल्कुल चिंता मत करना मालकिन, ये सजा तो मैं काट ही लूंगा। मुझे चिंता है तो सिर्फ रोहन की, वो वहां बिल्कुल अकेला रह गया ना मालकिन।
अकेला क्यों हो गया होगा? मैं नहीं हूँ क्या? मैं उसकी देखभाल करूंगी, उसका भविष्य मेरे पास तुम्हारी अमानत है रवि। तुम इसकी बिल्कुल चिंता ना करो। अगली बार जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो उसका पक्का बंदोबस्त करके आऊंगी। अगर ऐसा हो गया ना मालकिन, तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि आज तक मैंने जिंदगी से अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। जो कुछ मांगा रोहन के लिए मांगा, और जो कुछ मांगूंगा रोहन के लिए मांगूंगा। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा रोहन, क्या देख रहे थे? ये घर तुम्हारा है। भैया कहाँ आए? भैया भैया अभी आते होंगे। चलो। अच्छा मालकिन, मैं चलता हूँ। 3 बजे की गाड़ी से मुझे जगदीशपुर जाना है। नमस्ते। नमस्ते। चलो। आखिर मानी नहीं तुम यशोदा, ले यहीं से। अब ये हमारा बेटा है। व्हाट इज योर नेम बेटा? माय नेम इज वासु गुजराल। एंड व्हाट इज योर मदर्स नेम? हर नेम इज यशोदा। यशोदा गुजराल। हाँ। अब अपने डैडी का नाम बताओ और उनके चरण छुओ। मेरे डैडी का नाम सूर्यकांत गुजराल है। पांव छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यशोदा, तुम शौक से इसकी माँ बन सकती हो, मगर मैं इसका बाप नहीं बनूंगा। मैं किसी मुजरिम कातिल के भाई को गोद नहीं ले सकता। दैट इज फाइनल। अब ये तुम्हारी माँ भी है और बाप भी, 2 in 1। तुम इन्हें माता श्री कहो, माता जी कहो, अम्मा कहो, मम्मी कहो, कुछ भी कहो, मुझे तुम डैडी नहीं कहोगे। क्या नहीं कहोगे? डैडी। डैडी। डरो मत बेटा। क्या मैं उन्हें डैडी नहीं कह सकता? अरे ये तो उनका दुर्भाग्य हुआ ना कि तुम जैसा बेटा उन्हें डैडी नहीं कहेगा। तो फिर मैं क्या कहूँ? तुम उनका नाम जानते हो, सूर्यकांत गुजराल, तो तुम उन्हें मिस्टर गुजराल कहा करो। तुम समझ ही नहीं सकती रेणुका कि मेरी जिंदगी में वासु की क्या जगह है। धूप का टुकड़ा भी वही और छाव का टुकड़ा भी। उसके आने के बाद मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें यह भी नहीं समझा सकती कि अपने बाल गोपाल को मैं कितना चाहती हूँ। बस ये समझ लो कि मैं ही उसकी देवकी हूँ और मैं ही यशोदा। मैं इस बाल गोपाल के लिए तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। बहुत बहुत प्यार के साथ, तुम्हारी यशोदा। रवि, ये जानकर तुम कितने खुश होगे कि रोहन अपनी जिंदगी की कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जो जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी थी उसे पूरा होते देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वचन पूरा हो गया हो। भगवान, आज वासु का रिजल्ट निकलने वाला है, उसको कामयाबी दो।